अगर आप भारत में रहते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से भारत के संविधान को जानते होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से 395 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जो है आर्टिकल नंबर 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी जो है वो बोले चले जाएं। आपकी बोलने के ऊपर बाध्यता जो है वो लगाई जा सकती है अगर आप राष्ट्र के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर अगर आप लोग बोलते हैं तो भी आप लोगों को बड़ा सोच संभर कर जो है वो बोलना चाहिए। हाल ही के अंदर एक मामला जो है वो दर्ज हुआ है तमिलनाडु के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया है, वो वाकई में तारीफ काबिल है। क्या है वो जजमेंट, बात करेंगे हम लोग। तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी के एक्स एमएलए हैं एस शेखर, इन्होंने फेसबुक के ऊपर वर्ष 2018 के अंदर कमेंट किया। वो कमेंट महिला पत्रकारों की अभद्रता को लेकर था, और उस कमेंट के अंदर जो वर्ड यूज किए गए थे, शब्द का प्रयोग किया गया था, वो बड़े अभद्र थे महिला पत्रकारों के लिए। कहानी क्या थी पहले वो समझिए। वर्ष 2018 के अंदर तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारीलाल पुरोहित थे। बनवारीलाल पुरोहित जो कि राज्यपाल थे, और राज्यपाल का पद बड़ा प्रतिष्ठित पद होता है किसी भी राज्य के लिए, एक निष्पक्ष पद होता है और एक गरिमा युक्त एक पद होता है। राज्यपाल की इस गरिमा पद को लेकर कुछ महिला पत्रकारों ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि राज्यपाल ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है। राज्यपाल के पक्ष में एस शेखर ने फेसबुक पर एक कमेंट किया, और कमेंट में महिला पत्रकारों पर अभद्रता के कुछ टिप्पणियां जो है उनके ऊपर फेसबुक पर दर्ज कर दी। इसके खिलाफ वो महिला पत्रकार जाती हैं हाईकोर्ट के पास में, मद्रास हाईकोर्ट के पास में। मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास में यह मामला पहुंचता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मामला पास पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो स्टेटमेंट दिया। सुनिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को उस चीज से जो है वाकिफ करवा देता हूं। बहुत सारे जो मीडिया हाउस है उन्होंने इस चीज को कवर किया है, और बेसिकली जो फेसबुक के ऊपर कमेंट किया गया था उसको डिलीट भी कर दिया गया था ए शेखर के द्वारा। मैं दोनों सिक्के के पहलू जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा कि जो महिला पत्रकार थी उन्होंने अपने वकील की मदद से सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा स्टेटमेंट, वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने दुर्व्यवहार जो है हमारे साथ में किया, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में एस शेखर ने हमारे खिलाफ जो है फेसबुक के ऊपर कमेंट किया जो कि अभद्रताओं से भरा हुआ था, उसमें शब्द गलत यूज किए हुए थे। जब बारी आती है एस शेखर के वकील के बोलने की तो उन्होंने कहा कि एस शेखर जो कि मेरे क्लाइंट हैं, एक्स एमएलए रह चुके हैं डीएमके पार्टी के तमिलनाडु से, उन्होंने जब ये फेसबुक पर कमेंट किया तो फिर उनकी आंखों में दवा जो है वो डली हुई थी, मतलब दवा डलने के बाद मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, और उस समय जब मैंने कमेंट किया तो मुझे जो है वो ध्यान में नहीं रहा, वो वर्ड्स मैं देख नहीं पाया। कुछ शब्द जो है उन पे गौर फरमाइएगा। आई कम फ्रॉम ए रेस्पेक्टेड फैमिली, मैं एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आता हूं, दैट रेस्पेक्ट वुमेन जर्नलिस्ट, आई हैड पुट मेडिसिन इन माई आईज, मैंने आंखों में दवा डाली थी दैट टाइम, विच इज वाई आई कुड नॉट रीड द कॉन्टेंट्स ऑफ द पोस्ट शेयर्ड। समझ गए आप लोग कि जो पोस्ट किया था उसको ठीक ढंग से मैं देख नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए ये बड़ा जबरदस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य रखा कि वाई डू यू हैव टू फॉरवर्ड सोशल मीडिया पोस्ट इवन वेन यू हैव ड्रॉप इन योर आईज, जब आंखों में दवा डाली थी तो आपको कमेंट करने की कहां जरूरत आन पड़ी थी, ये तो सिर्फ एक बहाना है। और जब भी कोई व्यक्ति फेसबुक पर कमेंट करेगा, सोशल मीडिया पर कमेंट करेगा और सुप्रीम कोर्ट में आकर माफी मांगेगा तो हमसे जो है वो माफी की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि माफी करने से आपके गुनाह जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते हैं। इसीलिए माफी जो है वो देना हमारा काम नहीं है, हम जो है आपके इस कारनामे पर सजा आपको देंगे। और उनकी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको खारिज कर दिया गया, और सजा का प्रावधान जो है वो इनके लिए निर्धारित किया गया। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो भी मैं आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, वर्ष 2015 की बात है। ये केस क्यों हुआ, बाल ठाकरे की मृत्यु होती है महाराष्ट्र में, उसके बाद में दो लड़कियां थी उन्होंने फेसबुक के ऊपर कमेंट किया ये सोचकर कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और यह कहा कि आपने जो फेसबुक पर कमेंट किया है वो बाल ठाकरे के विरुद्ध है, ये सोचकर जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। श्रेया सिंघल जो है उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 के अंदर भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था,
भारतीय संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 के अंदर जिसकी एक धारा है 66A, उसके आधार पर उन दोनों लड़कियों को अरेस्ट किया गया। श्रेया सिंघल ने कहा कि ये जो धारा है 66A, इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, एक्सप्रेशन को, वो कहीं ना कहीं वायलेट करती है, रोकती है। इसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय वर्ष 2015 के अंदर वो जो एक्ट बनाया गया था उसकी धारा 66A को रद्द कर दिया गया था, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बना था पूरे इंडिया के सामने। आई होप ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बताया गया है। मैंने आपको इस पूरे की पूरे कंटेंट जो है उसके अंदर भी बताया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।